हेलो जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने लगा हूँ, ऑनर रिव्यू करने जा रहे हैं आज हम, वो एक FJ40 है, FJ क्रूज़र जिसको कहते हैं। और बहुत खूबसूरत कंडीशन में वो गाड़ी रिस्टोर हुई है, मुकम्मल रिस्टोर हुई है। इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन वाइज, टायर, रिम, हर चीज़ उस गाड़ी की रिस्टोर हुई है। मैं आप लोगों को वो गाड़ी चेक कराता हूँ और उनके ऑनर का रिव्यू देता हूँ कि क्या डिटेल है इस गाड़ी की, सारी इन्फॉर्मेशन उस गाड़ी की लेते हैं। तो आइए चलते हैं, गाड़ी की इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आप लोगों को मैं गाड़ी चेक कराता हूँ। ये जी FJ40 FJ क्रूज़र जिसका मैंने अभी आपको बताया। तो और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरह से ये गाड़ी रिस्टोर हुई है और मुकम्मल रिस्टोर हुई है, रिम से, टायर से और पेंट से, इंजन से, हर तरह से ये गाड़ी रिस्टोर हुई है। ये हैं जिन्होंने इस गाड़ी को रिस्टोर किया, वकार भाई। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या हिसाब किताब है इस गाड़ी का। अस्सलाम वालेकुम वकार। सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा, इस गाड़ी का बताइएगा मॉडल वगैरह। ये मॉडल के नाम है 83 मॉडल है, छोटा FJ40 गाड़ी। ठीक हो गया, मुकम्मल रिस्टोर किया था गाड़ी, ऑर्डर में गाड़ी बनाई, तैयार की हुई है मैंने। सदर में रोड 20 सदर सीट, सदर रोड पे मेरी वर्कशॉप है, ज़्यादातर मेरी गाड़ी ऑर्डर में तैयार होती है। ठीक हो गया। इसके इंजन वगैरह के बारे में हमें बताइएगा, कौन सा इंजन है इसमें? जेड इंजन गियर है। ये हमारे के नाम एक भाई अजीज़ हैं, बहुत कस्टमर हैं, इटली में होते हैं। तो उनका के नाम है चौधरी इमरान साहब, जिनका तलकात जरा के नाम है गुजरात में। ठीक हो गया। इसका इंजन हमें चेक कराइएगा। 1KZ इंजन गियर डाला हुआ है। ठीक हो गया। 1KZ इसमें इंजन है और गियर भी उसी का है, प्राडो का जो इंजन गियर आता है, और इसका सस्पेंशन अपना है जो लैंड क्रूज़र का आता है। अभी इसका मैं आपको इंजन चेक कराता हूँ। ये इसका इंजन है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये गाड़ी है। तो अभी इसकी फ्रंट से लुक के आपको मैं चेक कराऊँ तो बहुत खूबसूरत इसमें लाइटें, बस बंद कर दें, लाइटें वगैरह इसमें बहुत खूबसूरत इन्होंने लगाई हैं। ये LED लाइट्स वगैरह लगी हैं और इधर एक आगे बाहर लाइट लगी है, इधर एक लाइट लगी है और ये लाइट्स लगी हुई हैं। फिर इसमें एक ऊपर बाहर लाइट आ जाती है और ये साइड्स पे दो लाइट्स आ जाती है। तो अब साइड्स की बात की जाए, ये रिम माशाल्लाह इसमें बहुत खूबसूरत डाले इन्होंने। और अभी मैं आप लोगों को इसके साइड से प्रोफाइल पूरी चेक कराता हूँ। ये इसकी साइड लुक है, साइड पे ज़्यादा कुछ नहीं, ये एक मोनोग्राम लगा हुआ है टोयोटा का, लैंड क्रूज़र का ओरिजिनल मोनोग्राम जो है। और ये स्नॉर्कल लगा हुआ है, ये एंटीना है, और बस ये साइड पर इतना कुछ नहीं है ख़ास इसमें। एसी हीटर हर चीज़ इसमें वर्किंग में। इंटीरियर पे इसके आ जाएँ तो ये इसकी पोशिश हुई है, मुकम्मल पोशिश है, ऑटो गियर है, साथ ही इसका एसी हीटर लगा हुआ है। और बस ये पावर स्टीयरिंग के साथ है और डिस्क ब्रेकों के साथ उन्होंने ये तैयार किया है। बैक से भी मैं आपको इसको चेक कराऊँ तो, और मज़े की बात ये कि इस पर जो चार रिम डले हुए हैं, पांचवा जो स्टपनी रिम होता है वो भी सेम ही है। अभी कुछ काम इसमें एक दो दिन का काम बाकी रह चुका है, साउंड सिस्टम लगाना रह चुका है, बाकी छोटे मोटे दो काम रह चुके हैं वो करने बाकी। ठीक हो गया। तो अभी जैसा कि छुट्टी थी आज, इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बना। तो जैसा कि इन्होंने बताया, अभी इसमें कुछ काम वगैरह रहते हैं, म्यूज़िक सिस्टम रहता है। तो बैक से इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जेरी केन वगैरह लगा है और एक स्टपनी रिम लगा हुआ है, साइड पर इसका स्लेंसर निकला हुआ है। अभी इसकी आपको मैं आवाज़ भी चेक कराता हूँ, ज़रा स्टार्ट कीजिएगा इसको, इसका मैं आप लोगों को साउंड चेक कराता हूँ। गाड़ी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत साफ गाड़ी है। थोड़ी सी रेस दीजिएगा। वाटर थ्रोइंग इंजन है इसका, बिल्कुल साउंड इंजन है इसका, इतना साउंड है, कोई आवाज़ नहीं है गाड़ी के अंदर। ड्राइविंग साइड से भी मैं आपको चेक कराता हूँ। ये इस गाड़ी का मीटर है, ये भी वर्किंग में। इस साइड पे भी ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक एग्जॉस्ट है और ये रिफ्लेक्टर्स लाइट वगैरह लगी हुई है। वही इस साइड पे भी सेम टोयोटा का मोनोग्राम है, लैंड क्रूज़र का ओरिजिनल। और बस यही है इस गाड़ी में। अभी इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या इसमें गाड़ी में रीस्टोर किया है, क्या क्या चीज़ इन्होंने स्वैप की है, क्या क्या चीज़ इन्होंने डाला है, और बाकी इनसे पूछते हैं कितना इनका खर्चा आया और क्या हिसाब किताब है इसका। आपने भी किसी ने भी अगर इस तरह की या कमांडो, विलेज, CJ5, CJ7 किसी भी किस्म की जीप तैयार करानी हो, जीप से रिलेटेड कोई भी मालूम लेनी हो तो आप इनसे ले सकते हैं। इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इसमें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लाइट्स लगी हैं। वाह जी वाह। तो ये इसमें लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ लाइट है, ऊपर वाली बाहर लाइट इसकी काफ़ी तेज़ है। ये मैं आपको इंशाल्लाह इसका रात में एक शॉट दिखाऊंगा। तो बस ये गाड़ी है, इसका भी इनसे पूछते हैं कि इनका
कितना खर्चा है, बस बंद कर देंगे गाड़ी। अभी आप हमें बताइएगा कि आपका इस पे गाड़ी पे टोटल कितना खर्चा आया है और क्या हिसाब किताब है, मतलब क्या क्या चीज़ें आपने चेंज की हैं और क्या अभी रहती है। मुकम्मल गाड़ी रिस्टोर की गई, गाड़ी मुकम्मल ए टू जेड में रिस्टोर की गाड़ी की। ठीक हो गया, रिम टायर पेंट वगैरह सब कुछ चेंज कर दी। ठीक हो, इसकी बॉडी ओरिजिनल है इसकी अपनी। जी जी ठीक है, वगैरह ओरिजिनल है। जी जी, इसे भी इसकी ओरिजिनल है, कमानी ओरिजिनल रखी हुई है, इसमें इंजन गियर जो चेंज कर रखा हूँ वो बंद कर रखा। ठीक हो गया, अभी आपको इस गाड़ी की कुछ शॉर्ट्स दिखाता हूँ मैं, और बस एक छोटा सा इस गाड़ी का रिव्यू था। बाकी अगर कोई डिटेल भी आपको जीप की लेनी हो, इस जीप की या किसी भी जीप की आपको डिटेल लेनी हो, तो कार भाई का नंबर और जो उनकी लोकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आपको इस गाड़ी का मुकम्मल 360 व्यू दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये इस गाड़ी की लाइट्स हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ लाइटें, इंतहा की तेज़ लाइटें हैं इसकी। मैं आपको रिज़ल्ट चेक कराऊं तो ये सामने आप लोग चेक करें कि ये बिल्डिंग पे जा रही है तो बहुत ज़्यादा इस गाड़ी की लाइट्स जो है वो तेज़ है। और खूबसूरत माशाल्लाह प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, अल्लाह पाक जिनका प्रोजेक्ट है उनको नसीब करे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्रोजेक्ट है। बहुत हार्ड किस्म की लाइट्स हैं, सही है, रात के टाइम आँखों पर लगती होंगी, चलाते हुए तो ये इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, और इस पर वैसे भी पाबंदी है। तो अगर किसी ने भी इस तरह की लाइट्स या इस जीप से, जीप में जो भी चीज़ें कुछ भी इस रिलेटेड आपको चाहिए हो या कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, डिस्क्रिप्शन में वकार भाई का नंबर है, और या अगर आपसे कोई और कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो मेरा इंस्टाग्राम भी आपको शो हो जाएगा, उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग, ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।